ग्रीन गेबल्स की एन। एक जमाने की बात है, दो अधेड़ उम्र के भाई बहन रहा करते थे जिनका नाम था मैथ्यू और मरीला कुथबर्ट। वो दोनों ग्रीन गेबल्स खेत के मालिक थे। उन्होंने एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम था एन। एन स्कूल में पढ़ती थी। वो बहुत दयालु और जवान लड़की थी और बहुत होनहार बच्ची थी। मरीला, मुझे इस सेमेस्टर में भी ए मिला है। वैसे मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारा फेवरेट कैरेट केक बना कर रखा था। एन के इतने स्मार्ट होने पर और क्लास में टॉप करने के बावजूद सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। ओ, देखो आ गई ज्यादा अक्ल वाली एन, तुम इतनी स्मार्ट हो तो स्कूल ही क्यों आती हो? तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं है जूलियन। अरे चुप हो जा, ये तो टीचर की चमची है। अरे तुम दोनों से परेशान करना बंद करो, जाओ और जाकर अपना काम करो, समझे तुम लोग? ये फिर से शुरू हो गई। इनकी वजह से परेशान ना हो एन, चलो चलते हैं। फिर डायना और एन क्लास में गए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इरिगेशन मेथड्स को दोहराएंगे जिसे हमने डिस्कस किया था। जैसे ही एन नोट्स लेने लगी, गिलबर्ट जो उसके पीछे बैठा था उसके बाल खींचने लगा और उसने कहा, ला 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 ला। क्या तुम बंद कर सकते हो? गिलबर्ट बस करो अब। ला 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 ला। बहुत हुआ। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा चिल्लाना एन। तुम्हें कौन सी चीज इतनी परेशान कर रही है? जाओ जाकर बाहर खड़ी रहो। नहीं, मुझे माफ कर दो मिस, मेरी गलती थी, मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, उसे पता होना चाहिए कि क्लास में कैसे बिहेव करते हैं। जाओ बाहर खड़ी हो जाओ एन। एन दुखी होकर क्लास के बाहर चली गई। वो क्लास के बाहर आंसू भरी आंखों के साथ खड़ी हो गई। वो बहुत रो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद गिलबर्ट एन को मिलने भागा। मुझे माफ करना एन, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स लिखे हैं, ये लो मेरी बुक। मुझे ये नहीं चाहिए गिलबर्ट, जाओ यहाँ से। मुझे पता है मेरी गलती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम्हें अगर मुझे हेल्प करना है तो तुम मुझसे फिर कभी भी बात नहीं करोगे। एन फिर चली गयी गिलबर्ट को दुखी छोड़ कर। कुछ दिनों के बाद एन अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर गई। चलो चलो रेस लगाए, जो भी पेड़ तक पहले पहुंचेगा उसे बोर्ड पहले चिल्लाने को मिलेगी। हाँ चलो करते हैं। ये देखना मैं ही पहले पहुंचूंगी। मुझे क्या कम समझा है? लड़कियाँ भागने लगी, वो पेड़ की तरफ चिल्लाकर भागने लगी, लेकिन एन पीछे ही रह गई क्योंकि वो अपने स्कूल शूज में भाग नहीं पा रही थी। रुको मेरे लिए। तभी अचानक पेड़ का एक तना उसकी स्कर्ट में फंस गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो गिर गई और उसे चोट लग गई। अरे नहीं डायना, मुझे मदद चाहिए। एन को रियलाइज हुआ कि वो अपने दोस्तों से बहुत दूर है और इसीलिए उसे रोना आ गया। मुझे दर्द हो रहा है और मेरी स्कर्ट भी फट गई। मुझे नहीं पता क्या करूं। कि तभी गिलबर्ट वहाँ से गुजर रहा था। उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो उस तरफ भागा और उसने देखा कि वो तो एन थी। हाँ नहीं एन, मैं तुम्हारी मदद करूं। गिलबर्ट ने एन का जख्म ठीक किया और उसकी स्कर्ट भी सिल दी। अब मैं आशा करता हूँ तुम ठीक हो। एन की चिंता दूर हो गई। उसने गिलबर्ट को शुक्रिया कहना चाहा, पर फिर उसे याद आया जो भी गिलबर्ट ने स्कूल में किया था और वो कभी उससे बात नहीं करने वाली थी, और वो वहाँ से चली गई। एन, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती मेरी गलती के लिए? एन उसकी तरफ देखकर अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए भाग जाती है। ओ एन, हमें पता है कितनी फिक्र हो रही थी, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? हमें लगा कि तुम गुम गई हो और इसलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं गिर गई थी, घुटने पर चोट लगी, स्कर्ट फट गई, पर गिलबर्ट ने मेरी मदद की। वो कितना अच्छा है, मुझे खुशी है कि अब तुम दोनों दोस्त हो। नहीं। एन 16 साल की हो गई और अब उसका कॉलेज जाने का टाइम आ गया था। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं बच्चों। आप सभी को अपने रिजल्ट्स के लिए कंग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ सभी को बताने आई हूँ कि क्वींस एकेडमी, जो एक टॉप एकेडमी है एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने हमें हमारे टॉप स्टूडेंट्स को भेजने के लिए कहा है।
तो हमने ऐसे कैंडिडेट्स चुने हैं जिन्होंने हमेशा सेमेस्टर में टॉप किया है। पहला नाम है एन शर्ले। क्या? कांग्रेचुलेशंस एन। दूसरा कैंडिडेट है गिल्बर्ट ब्लाइथ। वाह! सभी ने एन और गिल्बर्ट को बधाई दी और वो दोनों वहाँ खुशी से खड़े थे। बहुत जल्द ही मैथ्यू, मरीला और डायना को एन को अलविदा कहना पड़ा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम मुझे हमेशा प्राउड फील कराती हो बेटी। खाना खाना और वक्त से सोना, समझी तुम? याद रखना, कोई भी चीज खाने और वक्त पे सोने से ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ मरीला, मैं ऐसा ही करूँगी। आपसे जल्दी मिलती हूँ। टाटा एन, तुम्हें कामयाबी मिले। एन ने एग्रीकल्चर में मेजर किया और जल्द ही बहुत सारी नई चीजें एकेडमी से सीख ली। उसने गिल्बर्ट को भी उसके जैसे ही मेहनत करते देखा और कुछ दिनों के बाद कॉलेज ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए। क्विज एकेडमी के पास उसके टॉप स्टूडेंट्स के लिए एवरी स्कॉलरशिप की स्कीम है। टाइम से अप्लाई करना ना भूलें आप सभी। मुझे सच में ये एवरी स्कॉलरशिप चाहिए, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी। एन ने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया और कुछ ही दिनों में वो सॉफ्ट बोर्ड गई रिजल्ट्स देखने के लिए। कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी एवरी स्कॉलरशिप के लिए एन, तुम तुम्हारा कोर्स एक साल में कंप्लीट कर लोगी। सिर्फ दो ही महीने बचे थे एन को अपनी स्कॉलरशिप खत्म करने में क्वींस एकेडमी में, पर तभी कुछ ऐसी चीज हुई जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मैथ्यू, थोड़ा पानी पी लो। नहीं मैथ्यू। ओह मैथ्यू, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। इससे पहले मरीला कुछ करती, मैथ्यू ने जवाब देना ही बंद कर दिया था। फिर सारे पड़ोसी मदद करने के लिए आए। हालांकि जो कुछ भी हुआ था उसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। एन वापस आ गई मरीला को सपोर्ट करने। मैथ्यू कितने प्यारे इंसान थे, उन्होंने मुझे पिछली बार अपनी बेटी कहा था। उन्हें तुम पर बहुत गर्व था एन, तुम्हारी वजह से हमें हौसला मिला कि हम अपने खेतों का ध्यान रख सकेंगे। मुझे उनके बिना बहुत अकेला लगेगा। मेरे एकेडमी के सिर्फ दो महीने बाकी हैं, पर मैंने सोच लिया है कि मैं आपके साथ रहूंगी और मदद करूंगी। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए बेटा। नहीं, आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। एक महीने के बाद गिल्बर्ट एन के घर मरीला को मिलने आता है। हाय मरीला, मुझे अफसोस हुआ सुन के। आने के लिए शुक्रिया गिल्बर्ट। मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, ये लोग आपको खेतों में मदद करेंगे। ये बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो गिल्बर्ट, पर मेरे पास अभी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, इन्हें पैसे मेरी तरफ से दिए जाएंगे। तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। प्लीज मरीला, आप और मैथ्यू बहुत खास हैं। मैं बस आप लोगों के कुछ काम आ सकूं। गिल्बर्ट चला गया और एन मरीला से बात करने लगी। आप गिल्बर्ट को कितने अच्छे से जानती हैं? मैं कहां से शुरुआत करूं? गिल्बर्ट के पापा मेरे बचपन के दोस्त थे। किसी गलतफहमी को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो गया था, मुझे बात भी अच्छे से याद नहीं। हाँ, पर इतना याद है कि मैं उन पर बहुत ज्यादा भड़क गई थी और मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। क्या आपको इस बात का बुरा लगता है? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर 50 की उम्र में उनकी मौत हो गई। मैं उन्हें कभी नहीं कह पाई कि मैंने उन्हें माफ कर दिया और अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। इससे मुझे ये सबक मिला कि हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। हमेशा इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं समझ रही हूँ मरीला, रुको, मुझे कुछ काम याद आ गया। ठीक है बेटा। एन घर के बाहर भागी गिल्बर्ट को ढूंढने। उसने उसे जंगलों की तरफ जाते हुए देखा। गिल्बर्ट रुको। हाँ एन। हे, तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा सौभाग्य। और एक और बात, मैं तुमसे गुस्सा रहने के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो तुमने मुझे माफ किया? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, जब तुमने मेरी चोट और स्कर्ट दोनों ठीक की थी। मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाई और ये मेरी आदत बन गई।
और मुझे तुम्हें कामयाब होते हुए देख खुशी होती थी। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से एन और गिल्बर्ट दोस्त बन गए और खुशी खुशी सबको हेल्प करते हुए फार्मिंग करने लगे। तो बात यह है कि हम में से हर कोई गलतियाँ करता है, हमें बस सबसे प्यार से रहना चाहिए। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो दूसरे ने किया वो गलत नहीं था, इसका बस ये मतलब है कि हमने उनके दिए हुए दर्द से खुद को दूर कर लिया है। आपको उस दर्द से बचना चाहिए क्योंकि हम ये डिजर्व नहीं करते। तो गलती को भूलो और हो सके तो भूलने दो।